हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि आखिर हम एमएस एक्सेल में स्क्रॉल बार को दोस्तों कैसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रॉल बार बना रखा है। जैसे ही मैं दोस्तों इसको नीचे के साथ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट है वो आगे की तरफ दोस्तों बढ़ता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और जैसे मैं इसे ऊपर साइड ले जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा डेटा है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आखिर हम एमएस एक्सेल में स्क्रॉल बार को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है जिसमें कि मैंने दोस्तों ले रखा है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड यहाँ पे फोन नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो अब दोस्तों हम इसी का बनाएंगे स्क्रॉल बार। तो चलते हैं यहाँ पे शीट 2 पे और इसे कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से जूम। यहाँ पे दोस्तों हम जो हम स्क्रॉल बार बनाएंगे वो दोस्तों हम बनाएंगे 10 रिकॉर्ड्स का। तो उसके लिए दोस्तों हम कर लेंगे यहाँ पे 10 रो को सिलेक्ट। और यहां से दोस्तों कर देंगे ऑल बॉर्डर और यहां से कर देंगे थिक आउटलाइंस बॉर्डर। और फिर से जाएंगे शीट 1 पे और यहां से इस हेडर को कर लेंगे दोस्तों कॉपी और सिंपली लाकर दोस्तों यहां पे कर देंगे हम इसे पेस्ट। ओके फ्रेंड्स, यहां से हम दोस्तों जाएंगे अब डेवलपर में। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे डेवलपर शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप दोस्तों जाएंगे यहाँ से फाइल में, यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज रिबन में और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिएगा डेवलपर का ऑप्शन, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों उसको क्लिक और यहाँ से कर देंगे क्लिक ओके। तो दोस्तों आपका यहाँ पे डेवलपर शो हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे दोस्तों आपको देखिएगा स्क्रॉल बार, इसे कर लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट और यहां पे दोस्तों इसे कर देंगे सिंपली हम ड्रॉ। ओके फ्रेंड्स, और इस सेल को दोस्तों हम कहेंगे यहां से सिलेक्ट, यहां से जाएंगे होम में और इसे कर देंगे मर्ज एंड सेंटर और इसे कलर दे देंगे दोस्तों यहां से हम ब्लैक और इसे दोस्तों कर लेंगे हम यहां से थोड़ा सा डिक्रीज। ओके फ्रेंड्स, ये राइट क्लिक और यहाँ पे आएगा फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ पे दोस्तों आ रहा है करेंट वैल्यू, इसमें दोस्तों रहने देंगे 1। यहाँ पे दोस्तों आ रहा है मिनिमम वैल्यू, इसमें भी दोस्तों रहने देंगे 1। और यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ये दोस्तों डिपेंड करेगा आपके रिकॉर्ड्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड है हमारे 14 स्टूडेंट के। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों इस पहले सेल में 1 आएगा और उसके बाद दोस्तों आएंगे उसके नीचे के 10 रिकॉर्ड्स और दोस्तों ये लास्ट बार हमारा आएगा 31 और फिर आएगा उसके नीचे के 10 रिकॉर्ड्स मतलब 14 तक। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो दोस्तों होगा 31। ओके फ्रेंड्स, और जो दोस्तों यहाँ पे इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे वो दोस्तों होंगे एक एक रिकॉर्ड के। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आ रहा है सेल लिंक में, इसे भी दोस्तों फिलहाल कर देते हैं इस वाले सेल को और यहां से कर देंगे 3D सेटिंग में क्लिक और यहां से कर देंगे क्लिक ओके। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे एक नंबर आ चुका है। जैसे ही आप दोस्तों इसे ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पे नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहां पे जो हमारा लास्ट नंबर है वो दोस्तों आ रहा है 31, ये दोस्तों हमारा है मैक्सिमम वैल्यू। ओके फ्रेंड, 31 दोस्तों यहाँ पे आएगा और इसके बाद के दोस्तों 9 रिकॉर्ड्स और आ जाएंगे तो ये दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 14 रिकॉर्ड से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों फिर से पहुंच जाते हैं 1 पे और इस सेल करेंगे क्लिक और यहाँ पे दोस्तों लाएंगे ऑफसेट का फॉर्मूला इक्वल टू ऑफसेट। मैंने दोस्तों ऑफसेट पे एक वीडियो बना रखी है, अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके उस वीडियो को दे सकते हैं, मैंने दोस्तों उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में दोस्तों जाएंगे यहाँ पे शीट 1 पे
और इसमें दोस्तों कर लेंगे हम इस पहले सेल को सिलेक्ट, फिर से कॉमा, फिर पूछा दोस्तों रो, फिर से जाएंगे सी टू पे और इसमें सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों इस सेल को, फिर से कॉमा, इसमें पूछ रहा है रो। तो दोस्तों जो हमारा रोल नंबर है वो दोस्तों कौन से नंबर पे, तो दोस्तों जो रोल नंबर है वो दोस्तों हमारा है जीरो नंबर पे, जीरो और एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मल पर दोस्तों करेंगे फिर से क्लिक और इस वाले सेल को दोस्तों हम कर देंगे यहाँ से लॉक F4 से। ओके फ्रेंड्स, और फिर से करेंगे यहाँ पे एंटर और इसे पकड़ के दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे ड्रैग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों हमारे सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर से दोस्तों करेंगे इसे हम सबको सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ऑटो फिल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दोस्तों 10 तक रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये नंबर में आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों कि इसका फॉर्मेट है हमारा जर्नल। तो इस सेल को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसे सॉर्ट डेट। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे डेट्स में आ चुके हैं। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो के बाद जितने भी रिकॉर्ड हैं यहाँ पे सब आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक मूव करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड हमारा आ गया है 14 तक। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप इसे फिर से ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में। ओके फ्रेंड्स, और इस रो को करेंगे हम सिलेक्ट, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और इसे कर देंगे यहाँ से हाइड। ओके फ्रेंड्स, और आप इसे इजिली इसको अब आगे कर सकते हैं मूव। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हैव अ नाइस डे।